हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन वेरी फाइन। आज के सेशन में हम फिर से स्टडी करेंगे एडवर्ब्स, और उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्कशीट को पढ़ेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की क्वालिटी को बताए। जो एक्शन वर्ड हम इसमें देखते हैं किसी भी सेंटेंस में, जो भी कोई दो तरह के वर्ड होते हैं ना, एक्शन वर्ड और नेमिंग वर्ड। तो जो नेमिंग वर्ड होता है वो तो होता है नाउन, और जो एक्शन वर्ड होता है वो होता है वर्ब। तो उसकी जो क्वालिटी बताए वो है एडवर्ब। से पहले हमने एडजेक्टिव्स की भी वर्कशीट करी है, जो कि किसकी विशेषता बताता है, नाउन की या फिर प्रोनाउन की। एडवर्ब जो कि वर्ब की क्वालिटी बताएगा। तो चलो इसको रीड करते हैं और सर्कल करते हैं एडवर्ब को। माई सन एंड आई जस्ट डू थिंक अलाइक। मेरा बेटा और मैं एक जैसा सोचते हैं। सोचते हैं कैसा? एक जैसा। तो अलाइक यहाँ पर एडवर्ब है। ट्रैवलिंग अलोन कैन टीच वन अ लॉट ऑफ लेसन्स। अकेले ट्रैवल करना टीच करता है लेसन्स। तो ट्रैवलिंग करना, कैसे ट्रैवल करना? अकेले ट्रैवल करना। अलोन यहाँ पर हो गया, क्या हो गया? एडवर्ब। अब उसके बाद है कैन यू प्लीज रीड अलाउड। क्या आप जोर से पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो कैसे? जोर से, जोर से बोलो, जोर से पढ़ो। नेक्स्ट है आई ट्राइड दैट ऑलरेडी। मैंने ये ऑलरेडी ट्राई कर लिया है। ट्राई तो वर्ब हो गया, और कैसे कर लिया? ऑलरेडी कर लिया है। तो ये हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट है आई ऑलवेज मीट माई ब्रदर व्हेन आई विजिट द सिटी। जब भी मैं सिटी विजिट करती हूँ तो ऑलवेज मिलती हूँ अपने ब्रदर से। क्या करती हूँ? मिलती हूँ। कब कब मिलती हूँ? हमेशा, ऑलवेज। तो ऑलवेज यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। जैसे यहाँ पर विजिट है वो क्या है? वो भी वर्ब है, लेकिन इसकी कोई क्वालिटी नहीं दी है, इसलिए इसके साथ कोई एडवर्ब नहीं है। नेक्स्ट है द टीचर शाउटेड एंग्रीली। एंग्रीली यानी गुस्से से। भाई टीचर्स को गुस्सा मत दिलाया करो ना, टीचर्स के साथ अच्छे से पोलाइटली बिहेव क्या करो, उनकी बातों को समझा करो। एक्चुअली समझा करो, सुना करो। तो वो क्यों एंग्रीली बिहेव करेंगे? वेल, ये तो एक एक्स्ट्रा लेसन था। बात यह है कि यहाँ पर तो केवल एक सेंटेंस है, तो कैसे शाउट किया? एंग्रीली। माई सन्स आर एंक्शियसली वेटिंग फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। वेट कर रहे हैं, यानी ये वर्ब है, और कैसे वेट कर रहे हैं? बहुत जोर शोर से, एंक्शियसली। आई डू नॉट गो टू जिम एनी मोर। मैं अब जिम नहीं जाता हूँ या जाती हूँ बिल्कुल भी। तो जाना भी वर्ब है और ना जाना भी वर्ब है। तो एनी मोर क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट है आफ्टर द लॉकडाउन वी कैन ट्रेवल एनी वेयर। लॉकडाउन के बाद अब हम कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं। ट्रेवल इज अ वर्ब एंड एनी वेयर इज एन एडवर्ब। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स टू रीच द थिएटर। वहां तक पहुंचने के लिए 10 मिनट्स लगते हैं। टू रीच द थिएटर, कैसे कैसे पता लगा ये? तो इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली, लगभग 10 मिनट लगते हैं। तो ये हमने क्या किया है? एडवर्ब को सर्कल किया है। तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने आप समझ के मार्क करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है? लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट्स में बताना है कि क्या सीखना चाहते हो। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।